आज हम लोगों के लिए दीपावली और होली दोनों था, कि जो 27 साल में नहीं हुआ वो इस बार हो गया, जो कोई नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी करके दिखाए। आप बोल रहे हैं कि यूपीए के द्वारा किया गया, तो आपको कर लेना चाहिए। हम करेंगे तो मेरा ही नाम होगा ना। आज मोदी जी बिल पास किए तो मोदी जी का ही नाम आएगा ना, आपका नाम कैसे आएगा? आपके रीजन में तो बिल फट गया था, आपके ही दो सांसद जो आपके अभी गठबंधन में हैं, वही दो सांसद फाड़े हुए थे बिल। अब विपक्ष वाले क्या कहते हैं, उनको बोलने का काम है हम लोगों का, सुनने का काम है हम लोग, अपना जो काम लक्ष्य लग के हुए हैं वो लक्ष्य पर जाना है, वो लक्ष्य पूरा करना है 2024 में बिहार में 40 के 40 सीट लाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए आज संसद में जो महिलाओं के लिए बिल जो पास हुआ है उसके लिए बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, पटाखों की बौछार की जा रही है बीजेपी कार्यालय के बाहर। मैं दिखाना चाहूंगी, देखिए अभी भी अवशिष्ट यहाँ पे मौजूद ही है, यहाँ की महिलाएं काफी खुश हैं, बहुत खुश लग रही हैं। आज हम लोगों के लिए दीपावली और होली दोनों था, कि जो 27 साल में नहीं हुआ वो इस बार हो गया, जो कोई नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी करके दिखाए, क्योंकि महिला के हक के लिए और महिलाओं के सपोर्ट में हमेशा नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि पहले से ये बिल यूपीए के द्वारा ही किया गया है। नहीं नहीं, ये बस तो आप यूपीए, नहीं नहीं नहीं, यूपीए के द्वारा ही किया गया, तो आप क्यों नहीं कर लिए? आप बोल रहे हैं कि यूपीए के द्वारा किया गया, तो आपको कर लेना चाहिए। हम करेंगे तो मेरा ही नाम होगा ना, जिस चीज का ना, जो काम हम किए वो मेरा नाम होगा। पहले क्या था उससे हमको क्या मतलब है, अभी क्या हुआ उससे हमको मतलब है। तो हमारा आज मोदी जी बिल पास किए तो मोदी जी का ही नाम आएगा ना, आपका नाम कैसे आएगा? आपके रीजन में तो बिल फट गया था, आपके ही दो सांसद जो आपके अभी गठबंधन में हैं, वही दो सांसद फाड़े हुए थे बिल, तो कैसे कहते हैं कि आपके जमाने में पापा। अच्छा, लग रहा है कि पूरा महिलाओं को ये हक मतलब मिल पाएगा, सभी महिलाओं को? एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा, इसमें कोई कटौती नहीं है, क्योंकि जब हम लोग किचन से उठ के सड़क पर आ सकते हैं तो संसद जाने में कोई समय नहीं और लगेगा। वो महिलाएं जो अभी भी पूरे बहुत पीछे हैं, पूरी उनकी जानकारी नहीं है, उन्हें कैसे मिलेगा, क्या जाति हम अभी देखिए, अब ये मत बताइए कि महिला पीछे, अब बहुत कम महिला है पीछे, अब महिला कोई पीछे नहीं है। आप ऐसा कोई नजर में उठाइए कि महिला नहीं है। विपक्ष वाले आपके तो कह रहे हैं कि जाति आधारित मतलब आरक्षण देना चाहिए था। अब विपक्ष वाले क्या कहते हैं, उनको बोलने का काम है हम लोगों का, सुनने का काम है हम लोग, अपना जो काम लक्ष्य लग के हुए हैं वो लक्ष्य पर जाना है, वो लक्ष्य पूरा करना है 2024 में बिहार में 40 के 40 सीट लाना है। पूरा होली खेली है ना? एकदम पूरा, जय जय है, जय जय है। चलिए, तो आप देख ही रहे हैं कैसे महिलाएं यहाँ की बीजेपी कार्यालय में जश्न मना रही हैं, काफी खुश हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रही हैं, पटाखे भी फोड़ रही हैं और कह रही हैं कि भाई जय जय है, हम खुश हैं, किचन से अब संसद तक पहुँचेंगे, सदन तक पहुँचेंगे, हर जगह हमें आरक्षण दिया जा रहा है, 33% आरक्षण मिला है, भले ही ये यूपीए के द्वारा लाया गया हो लेकिन बिल तो पास हुआ है बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी के सरकार के समय, तो जाहिर सी बात है नाम भी उन्हीं का आएगा। चले और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।